हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशांक मित्तल एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज नीट काका जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक ट्रिक के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि जो नेक्रोसिस कोज होता है, नेक्रोसिस कोज करने वाले जो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से फिर फर्दर जो प्लांट के अंदर सडन जो है टिश्यू डेथ होती है। टिश्यू डेथ आई मीन कि प्लांट की जो अगर बात करते तो प्लांट के अंदर लीफ टिश्यू के अंदर जो पर्टिकुलर नेक्रोसिस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के अंदर। नेक्रोसिस जो होता है वो सडन डेथ ऑफ अ टिश्यू एंड एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ जो एक प्लांट अपने मेच्योर फेज के बाद सेंसेंस फेज में और फिर फर्दर डाई होता है वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। और सडन डेथ मतलब किसी ना किसी जो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपको प्लांट टिश्यू और लीफ टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है। तो उसके जो डेफिशिएंसी जिन एलिमेंट्स की होती है उनको याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक जो है आप देख सकते हैं। लाइक अगर बात करते हैं नेक्रोसिस कोज करने वाले जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको याद रखने का तरीका, का कू मजे करेगा, तो इस तरीके से आप इन एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। यहाँ पे का फॉर कैल्शियम आयन, का किसके लिए आया यहां पर, फॉर कैल्शियम। सेकेंड नंबर कू फॉर कॉपर, मजे फॉर मैग्नीशियम एंड करेगा, करेगा को आप लिखेंगे यहाँ पे के। तो कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इन चार एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट के अंदर नेक्रोसिस कोज होता है। और इन चारों एलिमेंट्स को जो है आप एक सिंपल ट्रिक दैट इज काकू मजे करेगा इस बेसिस पे आप याद कर सकते हो। और पेपर के अंदर जब नेक्रोसिस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो नेक्रोसिस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप विद एक्यूरेसी बहुत कम समय के अंदर क्या कर पाएंगे, इजिली जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज नीट काका जी। और आप इससे अच्छी अच्छी जो ट्रिक्स हैं और अगर आपको अच्छे से जाननी है तो उसके लिए जो है लगातार जुड़े रहिए। और जो हमारा चैनल है दैट इज नीट काका जी उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जैसे ही कोई न्यू ट्रिक अभी अपलोड होती है तो आप बस उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाए। ओके, थैंक यू।